यमुना हाय करो। हमारी जिंदगी पे थू है, हमसे अभी तक आग नहीं लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, के हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई हुई है अम्मी, अम्मी ने दिया सरप्राइज अचानक आकर, और फिर रात में था मेरे लिए भी सरप्राइज। और सरप्राइज ये था कि सबने मिलके करनी थी टिक्का बुटी की पार्टी, तो सबने मिलके किया, इसको भी इंजॉय, बहुत ही मज़ा आया। और मज़े की बात यह कि हम लोगों से तो जो कोयलों में आग ही नहीं लग रही थी। मैंने ट्राई किया, भाई ने ट्राई किया, अम्मी ने ट्राई किया, छोटे वाले भाई ने, अम्मी ने ट्राई किया, सब ने ट्राई किया। फिर आखिर में मूड हुआ बड़े वाले भाई का, वो आए आके बैठे, उन्होंने कोयले जलाए हल्के 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 करके, फिर मज़ेदार से हमारे तकरीबन दो घंटे बाद हमारे जो कोयले हैं वो बनकर थोड़ा सा मतलब कोयलों को आग लगी सही वाली। और फिर हम लोगों ने की टिक्का बोटी को इंजॉय, साथ में बनाया था कढ़ाई गोश्त, नहीं सॉरी अचार गोश्त बनाया था, अम्मी बना के लेकर आई थी निहारी, और सारी तैयारी खुद ही हो गई थी क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज था, तो मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। पर शाम में जब ये कोयलों की और इसकी जब तैयारी, तो मैंने कहा हाँ अब जाके पता चला है मैंने कि पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। वायरल बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार लगाया था अम्मी ने बोटियों में मसाला, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और फिर अम्मी के हाथ के खाने हों तो फिर बात ही अलग होती है, लाजवाब। फिर हम लोग ने किया एंजॉय काफ़ी ज़्यादा, खाना वाना खाने के बाद, टिक्का बुटी को एंजॉय करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक शर्टिंग के बाद मूड हुआ कि आइसक्रीम मंगाई जाए। सब सिस्टर भाभी अम्मी सब रुके हुए थे, बहनें वगैरह भी सारी थी, तो सब मेहंदी वगैरह लगा रहे थे सारी रात, सही गप्पे लगाए, लड्डो शड्डो खेलाए। मैं मसरूफ़ इतनी हो गई माशाल्लाह, इतना इंजॉय करने लगी कि मैंने सारी चीज़ों को, सारी इंजॉयमेंट को कैप्चर ही नहीं किया, हम अपना इंजॉय करने में ही लगे रहे। बहरहाल बहुत ही लजीज हमारी टिक्का बोटी भी, देखें आप लोगों के सामने, मुँह में मेरे अभी भी पानी आ रहा है। खैर बाहर आइसक्रीम वगैरह खाई, इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा, सारी रात जागते रहे, सारी रात जागते रहे हम लोग। मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग में 7 बजे मंगाए पठान के पराठे, अंडा पराठा साथ में बनाई हम लोगों ने चाय, और फिर चाय को किया VIP सा इंजॉय। फिर ऊपर जाके हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी शौकियाँ वाकियाँ मारी इधर उधर, 6 बजे में तो कोई होता नहीं छत के ऊपर, तो हम लोग बहने वगैरह सारी चली गई थी, काफ़ी इंजॉय किया, थोड़ी मस्ती मजाक चेल वेल। उसके बाद था जुमा, फिर जुम्मे वाले के दिन सब मतलब रेडी शेडी हुए, तैयार शियार हुए, नमाज नमाज पढ़ी, नमाज नमाज पढ़ने के बाद फिर शाम में अम्मी भाभी वगैरह ये लोग सारे चले गए थे अपने अपने घर पर। फिर हो गया घर खाली, मैं हो गई बोर, बहरहाल शाम तक सफाई वफाई करके फिर मैं फ्री हो गई थी। यमुना फातिमा ने और वरदा ने पहने थे सेम सेम कपड़े, क्योंकि अम्मी कटिंग करके लेकर आई थी घर से यहाँ पर आगे, फिर अम्मी फारी थी तो अम्मी ने इन दोनों के कपड़े स्टिच किए यहाँ पर। फिर जुम्मा था तो इन दोनों ने जो है ये कपड़े पहने, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी दोनों बच्चियाँ एक साथ। चले भाई इसी के साथ दीजिए इजाज़त, वीडियो में यमुना ता हाय करो, यमुना हाय करो, हाय करो, ज़्यादा करो यमुना, ज़्यादा करो यमुना, यमुना हाय करो।